Hey guys, what's up? This is Virendra. Welcome back to my channel. और आज हम बात करेंगे कुछ रिसेंटली अपडेट्स के बारे में जो बॉडी बिल्डिंग में हो रही है. तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है रॉनी कोलेमन की तरफ से. रॉनी कोलेमन ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पेज पे लास्ट डे 15th of January को, जिसमें कि वो बता रहे हैं वो एक बार फिर से एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में और उनकी एक और सर्जरी होने जा रही है. जो सर्जरी होने जा रही है वो उनके राइट हिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से होने जा रही है. मैं बता दूं रॉनी कोलेमन की ऑलरेडी 11 सर्जरी हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूं कि उनकी ये सर्जरी सक्सेसफुल रहे और वो जल्दी से अपनी हेल्थ रिगेन करें. X-rays. X-rays didn't turn out too good, so they admitted me, and I've been here since 5 o'clock all by myself getting ready to do this surgery on my right hip early in the morning. So I guess I'll see you guys after all this is over. Well, once again, it's on. Yeah, buddy. Lightweight baby. That's just the way we roll in 2020. What's up, guys? Big Ron here. जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है ब्लेसिंग अवडेबू की तरफ से. अवडेबू ने भी रिसेंटली एक पोस्ट अपडेट की हुई है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जिसमें कि वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं. वैसे मैं बता दूं ब्लेसिंग अवडेबू जेनेटिकली जो इनकी फिजिक है वो काफ़ी सही है. ब्रॉड शोल्डर, टाइट वेस्ट और थाइज भी अच्छे हैं, काव्स भी अच्छे हैं. मतलब एक बहुत बढ़िया पैकेज ये लेके आएंगे मिस्टर ओलंपिया में अगर ये खेलेंगे तो. वैसे फिलहाल तो ये आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से 10 वीक आउट है. तो 10 वीक पहले इनकी बहुत सही मतलब काफ़ी अच्छी फिजिक दिख रही है. तो ये एक बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर हैं, काफ़ी फनी बॉडी बिल्डर हैं. इनके हमने वीडियो देखी हुई, काफ़ी फनी एक्ट करते हैं, बट अभी ये बहुत सीरियस लग रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए. इनका मिड सेक्शन देखे तो बहुत टाइट और काफ़ी स्मॉल मिड सेक्शन है, जो कि एक अच्छी वी टेप पर लुक दे रहा है. और साथ ही इनके शोल्डर भी अच्छे हैं, आर्म्स भी इनके अच्छे हैं और थाइज भी काफ़ी बढ़िया लग रही है. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ जो ये पैकेज लेके आएंगे इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में. वैसे मुझे इनकी बॉडी में कोई वीक पार्ट नहीं लगता. इनकी बैक भी सही है, इनके शोल्डर भी सही है, इनके हैमस्ट्रिंग भी अच्छे हैं. और उसके बाद बस इनकी थोड़ी काव्स हैं, जो काव्स का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, और बाकी ओवरऑल जो फिजिक है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है. तो लेट्स सी कि आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में क्या करके दिखाते हैं. वैसे अभी ये रिसेंटली प्रो टर्न हुए हैं अपने करियर में, और जो इनका शो है ये इनका पहला शो है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ में. तो देखते हैं ये आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं. वैसे मुझे उम्मीद है इनसे कि काफ़ी बढ़िया पैकेज ये लेके आएंगे. Okay, now you got Dexter. Steve. Josh. Big Remy, come on. That's it, you got 10, bro. Come on. नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है बिग रैमी की तरफ से. बिग रैमी ने अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि episode 2 अपलोड वो कर चुके हैं ड्रैगन फार्मा LLC पे, जो इनके स्पॉन्सर है और जिसमें वो नजर आ रहे हैं 1700 pounds के लेग प्रेस लगाते हुए. मैंने आज तक इनको पहले शायद ही इतना हैवी प्रेस करते हुए देखा होगा, बट ये काफ़ी डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं. और साथ ही 2018 की बुरी पोजीशन के बाद ये उसके बाद काफ़ी सदमे में थे, और इन्होंने 2019 में कोई भी शो कम्पीट नहीं किया, और एक साल के रेस्ट के बाद ये डायरेक्ट 2020 में अब यानी कम्पीट करने जा रहे हैं. तो इस बार का मिस्टर ओलंपिया काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं ये क्या करते हैं. वैसे इन्होंने 1700 lbs यानी कि 771 किलोग्राम के लेग प्रेस में स्ट्रेट 15 रैप लगाए हैं. तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं बिग रैमी, और दिख काफ़ी बड़े दिख रहे हैं. और इनकी कुछ स्टोरीज में एक फ़ोटोज़ देखी थी तो काफ़ी अच्छे मतलब कंडीशनिंग भी इनकी काफ़ी सही दिख रही है, बेहतर. मतलब पिछले साल से अभी का जो पैकेज आने वाला है वो काफ़ी बढ़िया आने वाला है. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनका शो देखने के लिए मिस्टर ओलंपिया में. और उससे पहले ये कम्पीट करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक ओहियो में. अगर उस शो को ये जीत जाते हैं तो ये डायरेक्ट मिस्टर ओलंपिया में दिखेंगे, अगर नहीं जीतते हैं तो ये
आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। तो इस बार का जो मिस्टर ओलंपिया होने वाला है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस शो को देखने के लिए। और बिग रैमी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, अभी बिग रैमी के लिए है। अगर इस बार बिग रैमी ने कर दिखाया तो कर दिखाया, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो लेट्स सी बिग रैमी इस बार के शोज में क्या करते हैं। तो दोस्तों, तो गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। मैं वीरेंद्र दत्त साइनिंग ऑफ।